साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, कभी लिंक भेजकर, कभी ओटीपी भेजकर, तो कभी किसी और तरीके से। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि साइबर ठग जिस तरह से लोगों को ठग रहे हैं वो ठगी का सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है। साइबर ठग अब इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता है और उनका बैंक अकाउंट जीरो हो जाता है। हैकर्स कभी कॉल करके तो कभी घर की चौखट पर पहुंचकर लोगों से *401 हैशटैग के बाद एक डायल नंबर करवाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं, जिसे कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम कहा जाता है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने अननोन फोन कॉल से सतर्क रहने की बात कही है। सरकार ने लोगों से ऐसे इनकमिंग कॉल से अलर्ट रहने को कहा है जिसमें आपको एक कोड डायल करने के बाद किसी अनजान नंबर पर फोन करने को कहा जाता है, और जैसे ही कोड डायल करने के बाद नंबर डायल किया जाता है, साइबर ठग का काम हो जाता है। यह सब कैसे हो रहा है अब हम आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। साइबर ठग अब लोगों से कभी फोन हैकर से बचाने का बहाना बनाकर तो कभी सामान की डिलीवरी को लेकर लोगों से *401 हैशटैग के बाद एक अनजान नंबर पर कॉल करने को कहते हैं। जैसे ही यूजर *401 हैशटैग के बाद स्कैमर्स द्वारा बताए गए नंबर को डायल करता है, स्कैमर्स का आधा काम हो जाता है। *401 हैशटैग के बाद स्कैमर्स द्वारा बताए गए नंबर पर डायल करते ही यूजर के मोबाइल पर जो भी फोन आएंगे वो कॉल ठग के फोन पर अपने आप फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि ऐसा होते ही यूजर का फोन हैक हो चुका होता है। फोन हैक होते ही यूजर के सभी ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड हैकर्स को मिलने लगते हैं, और हैकर्स ऐसा कर लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। इतना ही नहीं, इस तरीके से साइबर क्रिमिनल या फिर हैकर्स इसकी मदद से आपकी सीक्रेट कॉल्स भी सुन सकते हैं, इससे आपके सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। साइबर ठग कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम के जरिए लोगों की जिंदगी भर की कमाई पर कैसे हाथ साफ कर रहे हैं, इस पर आज जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन ने एक डेमो तैयार किया है जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। आपको ओटीपी बैंक की तरफ से भेजा जाता है, लेकिन असल में जब आपसे ले ऐसे समय में लिया जाता है कि आप दरवाजे पर खड़े होकर उस बैंक के ओटीपी को अपने पार्सल की डिलीवरी का ओटीपी समझ के उस सामने वाले व्यक्ति को दे देते हैं। मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूं और जहां पर अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं जिसमें ठग पहले से ही यहां पर अपना अमाउंट भर कर बैठे होते हैं और उनको चाहिए होता है सिर्फ एक ओटीपी, तो अगर SMS के जरिए है, अगर वो सफल हो जाते हैं तो सीधा वो ओटीपी आपसे ले लेते हैं जो कि बैंक की तरफ से आता है, लेकिन आप उसको दे देते हैं। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आपको वो कहते हैं कि *401 हैश लगाइए और हमारी कंपनी में फोन कर दीजिए अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है या फिर कोई समस्या हो रही है या फिर आपके पार्सल में किस तरह की दिक्कत है। वो कोशिश करते हैं कि वो आपको *401 हैश उसके आगे जो इस वक्त एक नंबर देते हैं उस पर आप मिला दीजिए फोन नंबर। मैं आपको इस वक्त अपने फोन की मदद से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप *401 हैश लगाते हैं आपको आपको अक्सर यहां पर कहा जाएगा कि ये *401 स्टार या फिर हैश, आप देखिए जो *401 स्टार मिलाएंगे तो यहां पर आपका जो कॉल है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद वो खुद के ही नंबर को एक्चुअली यूज करते हैं जिसके कारण वो फोन नंबर यानी कि सारी कॉल्स इस नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएंगे, लेकिन आपको बोला जाएगा कि ये तो कंपनी का नंबर है, आप मिला दीजिए और आपके पास इस वक्त जो डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर डिलीवरी पूरी है उसका मैसेज आ जाएगा। तो यहां पर ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जल्दबाजी में लोग कर रहे हैं और इस वक्त देश के अलग अलग जगहों से इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो अगली बार जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें और आपके पास कोई व्यक्ति डिलीवरी यानी कि आपका वो सामान लेकर आता है तो उसको दो बार अच्छे से जांच लें, परख लें और वो ओटीपी किस नंबर से आया है इसको देखें, क्या वाकई में बैंक का ओटीपी है या फिर कोई और ओटीपी है। वो फोन को क्लोन करने के लिए भी बहुत सी ऐप है, उनके लिंक्स भी उस समय आपको भिजवा दिए जाते हैं जिसके कारण आपके फोन क्लोन हो जाते हैं और उसके बाद आपका ओटीपी क्या, बैंक की डिटेल क्या, सब कुछ चुराना आसान हो जाता है। वरुण भसीन, जी मीडिया। कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम साइबर ठगों की ठगी का सबसे लेटेस्ट तरीका है। इस तरह से ठगी के कई मामले सामने आए हैं जिसको देखते हुए सरकार ने कोड कॉल से सतर्क रहने को कहा है। टेक्नोलॉजी ने हम सबके जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं। डिजिटलाइजेशन के दौर में हर चीज हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन सावधानी हटते ही लाखों की चपत वाली दुर्घटना भी बहुत तेजी से घट रही है।
साइबर ठग कभी लुभावने ऑफर के बारे में बताकर, तो कभी यूजर के अकाउंट में नंबर अपडेट करने को लेकर, तो कभी किसी और बहाने से ठगी का जाल बुनते हैं जिसमें हर रोज लोग फंसते भी हैं। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसीलिए उन्हें झांसे में लेना आसान होता है। Amazon और Flipkart जैसी ई-कॉमर्स साइट ने ऑनलाइन डिलीवरी धोखाधड़ी से बचने के लिए OTP डिलीवरी वेरिफिकेशन शुरू किया था, लेकिन जिस तरह से कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम चल रहा है, उसी तरह से OTP शेयरिंग भी एक अलग तरह का स्कैम है। इस स्कैम को अंजाम देने के लिए ठग डिलीवरी बॉय बनकर लोगों के घर तक जाते हैं। इसके बाद ठग कहता है कि पार्सल कैश ऑन डिलीवरी है और आपको कैश में भुगतान करना होगा। जैसे ही आप कहते हैं कि उन्होंने कोई सामान नहीं मंगाया है, ठग कस्टमर्स को कहता है कि पार्सल को रिजेक्ट कर दें। इसके लिए ठग उसी वक्त एक OTP कस्टमर्स के मोबाइल पर भेजता है और OTP पूछता है, और OTP बताते ही अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो जाते हैं। स्कैमर्स लोगों को फंसाने के लिए कई तरह की ट्रिक अपनाते हैं, जैसे कि आपके किसी दोस्त ने यह पार्सल ऑर्डर किया है। कई बार ये ठग खुद को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव या टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ भी बताकर एक अनजान नंबर पर कॉल करने को कहते हैं, लेकिन ऐसा होते ही हैकर्स को लोगों के फोन का एक्सेस मिल जाता है और OTP, मेल और कॉल तक हैकर्स की पहुंच हो जाती है। सर जनरली क्या होता है, कोई भी पार्सल वाला आता है, ऑर्डर लेके आता है, पूछता है OTP आया होगा, जनरली OTP होता है, हम उसको OTP बता देते हैं, वो पार्सल डिलीवर करके चला जाता है। तो कुछ दिन पहले भी ऐसा ही हुआ, वो आया एक पार्सल लेके, उसने बोला कि आपके पास OTP आया होगा, तो मैंने चेक किया तो OTP तो कोई नहीं मिला। तो उसने, और क्योंकि पार्सल आते रहते हैं तो ध्यान नहीं रहा कि कोई आना था कि नहीं आना था, तो उसने बोला कि आप एक काम कीजिए, *401 हैश पे, और एक नंबर दिया उसने, इस नंबर पे आप कॉल कर दीजिए, वहाँ पे आप OTP मांग लीजिए। तो मुझे थोड़ा तो अजीब लगा कि पहली बार ऐसा हो रहा था। तो मैंने अपनी 2-3 जो ऐप्स हैं मेजर जिनसे ऑर्डर करता हूँ उन पर चेक किया तो देखा कोई भी ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी था ही नहीं। तो कोई भी ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी था नहीं, तो फिर यही चीज़ मैंने उसको मेंशन की, तो उसने बोला कि शायद सर कोई मिस्टेक होगा, किसी और का होगा, और वो चला गया। तो कुछ तो था कि कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि आउट फॉर डिलीवरी हुआ नहीं और आज तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। देश में बढ़ते ई कॉमर्स बिजनेस में फ्रॉड होने की संभावना भी बड़ी है, इसीलिए साइबर वर्ल्ड में आंख बंद करके भरोसा कभी मत कीजिए। हम पहले भी DNA में साइबर फ्रॉड से बचाने वाला विश्लेषण करते रहे हैं, क्योंकि यह आपकी जिंदगी भर की कमाई से जुड़ा मामला है। साइबर ठगों से बचने का बस एक ही तरीका है, और वो तरीका है सावधानी बरतना। इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का कोड डायल ना करें या किसी भी टेक्स्ट मैसेज का जवाब ना दें। स्कैमर्स अधिकतर ऐसे ही तरीके अपनाते हैं। अपने फोन को सुरक्षित रखने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड का उपयोग करें। कभी भी किसी से भी OTP शेयर ना करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से किसी भी सामान को ना खरीदें, क्योंकि इन जगह से प्रोडक्ट खरीदने पर फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा रहती है। डिलीवरी बॉय के सामने ही रिसीव पार्सल को खोलकर देख लें। अनजान नंबर से भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि यहीं से हैकिंग की शुरुआत होती है। डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल जितना हम डेली लाइफ में आज कर रहे हैं, हमें उतना ही सावधान रहने की जरूरत है। ठगों से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सावधानी। इसीलिए खुद भी जागरूक बने, औरों को भी बताएं, और साइबर फ्रॉड से सावधान रहें। मोस्टली क्रिमिनल को ये तो सब पता, उसको एक OTP चाहिए पैसा ट्रांसफर करने के लिए, या 2 OTP चाहिए, या 3 OTP चाहिए, तो वो अलग अलग तरीके से आपको एंगेज करके वो OTP निकलवाएगा। जैसे कि अभी जो कुरियर के नाम पे आता है कि भाई कुरियर आया है, डिलीवरी होनी है, वेरीफाई कीजिए, और आपने वो नंबर बता दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि जो कोड है किस चीज़ का कोड है। कई बार वो आपको कॉल करता है कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और यदि आप आज नहीं कराएंगे तो आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा, या आपकी कोई चीज़ डिलीवर नहीं होगी, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए एक SMS आएगा, आप उस नंबर को डायल कर दीजिए। तो एक SMS आता है और उस पर एक नंबर होता है *401 अ मोबाइल नंबर, जो आप नोटिस नहीं करते कि इसमें कोई मोबाइल नंबर है, और आप उसको क्लिक करके डायल कर देते हैं। यदि आप उसको डायल कर देते हैं तो आपका कॉल कंडीशनली क्रिमिनल के नंबर पर फॉरवर्ड हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आप बिजी होंगे और फोन नहीं उठा सकते तो वो सारे कॉल क्रिमिनल को चले जाएंगे। कॉल फॉरवर्डिंग भी एक टेक्निक है जिसके द्वारा आपका OTP ले लिया जा रहा है। तीसरा टेक्निक है जिसमें कॉल मर्जिंग से OTP लिया जाता है, जिसमें आपसे 2 कॉल मर्ज करा ली जाती हैं, जिसमें से 1 कॉल OTP की होती है और 1 कॉल क्रिमिनल की होती है। जब आप वो कॉल मर्ज करते हो तो क्रिमिनल OTP सुन लेता है।
यदि आप कोई भी पूरा मैसेज देखेगा तो समझ जाएगा कि ओटीपी किस पर्पज़ का है। तो आप उसको देखेंगे तो बैंक के ही शॉर्ट कोड से आना चाहिए, IDBI है, ICICI है, तो उसका अलग शॉर्ट कोड है। उसके अलावा उसमें क्लियर लिखा होगा कि किस पर्पज़ के लिए ओटीपी भेजा जा रहा है, और उसके बाद आप कॉल ले सकते हैं कि ये मुझे नहीं देना है। कई लोग बचते भी हैं जब वो देख लेते हैं कि SMS पढ़ के, तो कई लोग, बड़ा सिंपल है उसको नोटिस कर पाना, लेकिन अधिकतर लोग बिजी होते हैं और उस समय इतना जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं कि वो ओटीपी चला जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके आप फ्रॉड की शिकायत कर सकते हैं। 1930 नंबर पर कॉल करते ही साइबर क्राइम करने वाले पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, और बहुत संभावना है कि जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसके पैसे भी वापस मिल जाएं। Z News।